रानीताल स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब यहां बच्चों को तीरंदाजी की कोचिंग देने वाले राष्ट्रीय कोच रिछपाल सिंह की पत्नी स्टेडियम पहुंच गई। यहां उनकी पत्नी ने ना सिर्फ जमकर हंगामा किया बल्कि कोच और उनकी पत्नी के बीच खूब लात घूंसे भी चले। देखिए इस खास रिपोर्ट में। अचानक स्टेडियम पहुंची कोच रिछपाल सिंह की पत्नी ने कोच की जमकर धुनाई कर दी। इतना ही नहीं, कोच को बचाने पहुंचे शिष्यों पर भी मैडम का गुस्सा उतरा और उनकी भी मैडम ने जमकर धुनाई कर दी। वहीं इस हाई प्रोफाइल हंगामे की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और कोच की पत्नी को समझा बुझाकर थाने ले आई। ये मुस्कान के पीछे पड़ के ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। ठंडे डाल दो बड़ा। रिछपाल सिंह की पत्नी ने मीडिया को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए कोच का किसी और लड़की के साथ चक्कर होने की बात कही। सर, मेरी शिकायत है कि मेरे हस्बैंड है रिछपाल सिंह सलारिया, सर उसका मुस्कान नाम की लड़की से अफेयर है, सर उसकी वजह से मुझे ये मेरे कोर्ट में डिवोर्स केस किया है। सर, मैं जब भी आती हूँ जबलपुर में, मेरे को मीठी मीठी बातें करके उलझा के जम्मू लेके छोड़ के फिर यहाँ भाग आते हैं। सर हाँ सर, मैं से मिलने के लिए नहीं सर, मैं छापा मारने आई थी कि सर ये अलग से उसको कम मतलब ट्रेनिंग करवाता है, अलग से डिजिटल रूम में लेके दरवाज़ा बंद करके सर उल्टे सीधे कांड करता है। सर जैसे मैं आ रही थी तो ये उसके साथ ही खड़ा था, जैसे मैं आई मैंने इसको बोला कि तू यहाँ पे क्या खड़ा है, तू तो बोलता है सर, ये बोलता है मेरे को कि मेरे पेट में स्टोन हो गया और मैं हिल नहीं रहा हूँ, एक महीना से मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ। तो सर मैं मंगलवार से आई हूँ और मैं डेली यहाँ आके छुपके से देखती थी ये ग्राउंड में प्रैक्टिस करवाता है कि नहीं करवाता। सर आज मैंने मौका देख के इसको पकड़ा और इसने मेरे साथ मार पिटाई की है। सर मैं अन्याय चाहती हूँ सर, मुस्कान की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई। सर मैंने पूरे विभाग में लेटर लिखे हैं सर, सारा ये पैसे के दम पे छूट जाता है सर, कोई कार्रवाई नहीं होती इस पे। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले के सामने आने के बाद अब इसे लेकर क्या कुछ ठोस एक्शन लिया जाता है। एमपी न्यूज़ के लिए जबलपुर से विशाल वाल्मीकि की रिपोर्ट।